दोस्तों आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज हम बात करेंगे एक नए टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के बारे में, जिसके बारे में लोग तरह तरह की वीडियोस इंटरनेट पे ढूंढते रहते हैं कि उन्हें कुछ नया देखने को मिले। तो आज हम एक नए प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टोंगट अली। यह प्रोडक्ट आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, लोग सर्च कर रहे हैं कि आखिर ये क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि टोंगट अली है क्या, कहाँ से आया है, इसे इस्तेमाल करना सेफ है या नहीं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों टोंगट अली एक्चुअली एक पेड़ की जड़ है, जिसे फडोजिया कहते हैं पेड़ को। और ये कोई वेस्टर्न देशों से नहीं आता, एशिया की ही चीज़ है। मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम में इसका पेड़ मिल जाता है और इसकी जड़ को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड एल्केनॉइड वगैरह पाए जाते हैं जो कि मर्दों को बहुत बढ़िया फ़ायदा देते हैं। ये मर्दों को तो फ़ायदा देते ही हैं, उसके पहले और भी कई फ़ायदे इसके देखे गए हैं। बाद में देखा गया कि इसके मर्दों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, यानी कि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट भी करता है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। दोस्तों जैसा मैंने शुरू में बताया कि टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन आपको पता है मर्दों का मुख्य हार्मोन होता है, तो ये हार्मोन को बैलेंस करता है। और अगर टेस्टोस्टेरोन कम है बॉडी में तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करता है। अगर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन सही होगा तो मर्दों को कई तरह के फ़ायदे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कि आपको ईडी की समस्या जो है वो नहीं होगी। इसके ऊपर एक रिसर्च भी हुई है जिसमें 50 की उम्र से ज़्यादा लोगों को टोंगट अली खिलाया गया था और देखा गया था कि उनकी ईडी की प्रॉब्लम दूर हो गई है। इसलिए अगर आपकी उम्र 45 या 50 के करीब भी है और आपको ईडी की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि आप अपने एक बार डॉक्टर के से सलाह जरूर कर लीजिएगा बीपी वगैरह के लिए। अगला इसका फ़ायदा है मसल स्ट्रेंथ और मसल गेन के लिए। अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़िया होगा तो ये आपके कोर्टिसोल लेवल को कम करेगा और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएगा, जिससे कि मसल गेन करने में आपको मदद मिलेगी। अगर आप जिम जा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, नहीं बन रही तो बॉडी जल्दी से बनेगी और मसल भी गेन होगा। तो मसल भी जो है ये भी टेस्टोस्टेरोन के ऊपर डिपेंड करता है, तो टेस्टोस्टेरोन सही होगा तो मसल गेन करने में फ़ायदा मिलेगा। अगर आप स्ट्रेंथ नहीं है, कई बार लोगों में स्ट्रेंथ कम होती है, ज़्यादा देर काम नहीं कर पाते या फिर कोई भी काम उनसे ज़्यादा देर होता नहीं है, तो ये स्ट्रेंथ भी गेन करता है, स्टेमिना भी गेन करता है। तो स्ट्रेंथ और स्टेमिना के लिए भी ये फ़ायदा देता है। अगर आपके बाल झड़ते हैं, बालों की क्वालिटी सही नहीं है, तो बालों के लिए भी इसे फ़ायदेमंद माना गया है। बालों की क्वालिटी अच्छी करता है और झड़ने से रोकता है। अगर आप स्ट्रेस वगैरह में रहते हैं, डिप्रेशन में हैं, तो स्ट्रेस को कम करता है और मूड को सही करने का काम करता है। वैसे भी ये टेस्टोस्टेरोन सही होगा तो आपका मूड भी बढ़िया रहेगा। इसके अलावा इसके और भी कई फ़ायदे देखे गए हैं, जैसे कि मलेरिया वगैरह में ये फ़ायदा देता है, कब्ज़ वगैरह हो जाए कब्ज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे फ़ायदे हैं टोंगट अली के। अब हम बात करते हैं इसकी डोज़ कितनी लेनी है। दोस्तों अगर इसकी डोज़ की बात करें तो आप दिन में 200 से 300 mg ले सकते हैं शुरुआत में। वैसे तो 600 mg तक भी लिया जाता है, फिर भी आप 200 से 300 mg लीजिए, फिर ही आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं, कैप्सूल भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में। अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये अभी नया प्रोडक्ट है, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट अभी देखने को नहीं मिले। फिर भी आपको एलर्जी वगैरह हो सकती है, ज़्यादा सेवन करने से पेट ख़राब हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, सिर चकराने जैसा हो सकता है या फिर सिर दर्द भी हो सकता है, तो ऐसी समस्या हो सकती है। बाकी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता ही रहता हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।